अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए CS 201 की पहली असाइनमेंट लेकर आया हूँ। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है, तब तक आपने सबमिट करा देनी। इसके अलावा आपने इसको .cpp फॉर्मेट में जमा करवानी है, यानी डेव C++ में आपने लिखनी है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट फॉर्म में या PDF फॉर्म में आपने सबमिट नहीं करवानी। और इसमें लेक्चर 1 से 10 इंक्लूडेड है। असाइनमेंट ये है कि इसमें एक मुख्तलिफ स्केल सैलरी, हाउस रेंट और यूटिलिटी अलाउंस दी गई है, यानी अगर स्केल 1 हो तो सैलरी होती है 50,000 और उस पर रेंट 10% लगता है, यूटिलिटी अलाउंस 3,000 है। इस तरीके से लिखे हुए वो कहते हैं स्केल शुड बी बिटवीन 1 एंड 3। आपने स्केल 1 और 3 के दरमियान रखना है। सिस्टम विल आस्क फॉर द करेक्ट स्केल अगेन, अगर ये ना हो तो सिस्टम दोबारा करेक्ट स्केल के लिए आपसे पूछे। और इसमें रिज़ल्ट जो हो वो इस फॉर्मेट में आपने लिखना है, यानी आपका आंसर इस फॉर्मेट में आए। अगर वो 1, 2, 3 में हो तो इस फॉर्मेट में, अगर वो 3 से अबव हो तो वो इस फॉर्मेट में उसका आंसर है। 5 दिसंबर तक आपने इसको सबमिट करवा देना है। इसके अलावा ये मैंने लिखा हुआ है शुरू में #, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस STD, ये शुरू में लिखा होता है, आप लिख देना है। और इसमें हमने लिखना है INT स्केल, यानी उसके मुख्तलिफ स्केल की बुनियाद पर उसके हाउस रेंट पर डिफाइन करना है, तो INT स्केल लिखना है। और void employee इसकी ये देना है, void employee यानी employee के स्केल के बारे में बताना है, यानी स्केल उसका दिए हुए, उसके हाउस रेंट, उसकी नेट सैलरी और बेसिक सैलरी वगैरह निकालनी। उसने इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा मैंने जो हैंड आउट्स हैं उसके मुताबिक ये असाइनमेंट बनाई है, तो इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर इफ़ स्केल इज इक्वल टू 1, अगर स्केल 1 हो तो बेसिक सैलरी जो कि इसमें असाइनमेंट में दी हुई है, बेसिक सैलरी 50,000 होगी, रेंट इज इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी 10/100, और अलाउंस 3,000 था, तो नेट सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस रेंट प्लस अलाउंस, ठीक है। तो सी आउट द बेसिक सैलरी इज जो होता है सी आउट में जो हमने स्क्रीन पर शो करवाने होते हैं वो इसलिए लिखते हैं, तो इसमें बेसिक सैलरी और इसको एंड कर देंगे। इस तरह सी आउट करके इसको रेंट को भी एंड कर देंगे। अगर अगर स्केल 1 हो तो ठीक है, एल्स अगर उसके अलावा हो तो फिर हम लिखेंगे इसमें दोबारा इफ एल्स की स्टेटमेंट डालेंगे। स्केल इज इक्वल टू 2 हो तो, अगर स्केल 2 हो तो उसकी बेसिक सैलरी की ये वैल्यू थी, रेंट उस पर 10% था और अलाउंस 5,000। इस तरीके से नेट सैलरी इसकी भी निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर थर्ड स्केल हो तो उसके भी वही वैल्यू सेम पुट कर देनी है, और उसकी ये ऊपर कॉपी पेस्ट करके सारा इसका निकाल लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड में आया कि अगर आखिरी पॉइंट था आगे बढ़ने से पहले, अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा मैं मीटर फाइनल के लिहाज से जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँचती रहेंगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तीसरा आखिरी पॉइंट था, चौथा, कि अगर स्केल 1 और 3 के दरमियान ना हो तो, यानी 4, 5, 6 हो तो उसके लिए वो दोबारा रिपीट का ऑप्शन मांगे। इसलिए INT मेन, ये सब कुछ जो पहले लिखा है हमने, ये देखें, ये आपने INT मेन जो हम लिखते थे उससे पहले ये सब कुछ हमने लिख देना है। INT मेन में डालेंगे कि रिपीट सी आउट दी, अगर वो 3 से अबव हो तो सी आउट जो कि हमने स्क्रीन पे शो करवाना है, इंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉय बिटवीन 1 एंड 3, तो ये हम इंटर स्केल उसका इंटर करेंगे तो सी इन, यानी जो स्केल होता है उसके लिए सी एन होते हैं /। अगर स्केल इज इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू 3 हो, और ये एंड का और का ऑप्शन होता है, और स्केल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 0 से भी कम ना हो, अगर 0 से कम डालेंगे तो फिर वो आंसर ही ना आएगा। अगर इफ एल्स स्टेटमेंट जो जैसे कि हैंड आउट्स में दी हुई है वही लगाई है मैंने, तो स्केल इज लेस देन इज इक्वल टू 3 हो और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो तो वो एम्प्लॉई का ऑप्शन आएगा। अगर ये ना हो तो सी आउट इन करेक्ट रेंज और इसको एंड कर देना है और गो टू रिपीट,
यानी अगर ये ना हो तो ये फिर दोबारा ये रिपीट में चला जाएगा और दोबारा इसको एक्सक्यूट करने का ऑप्शन मांगेगा, और अगर अगर दोबारा आप सही डालेंगे तो फिर ये एक्सक्यूट होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसके अलावा इसकी भी फाइल भी मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।